बस की चपेट में आने से युवक की मौत, पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अवस्था में पड़ा मिला युवक, युवक को कराया गया अस्पताल में भर्ती। सेमेस्टर रिजल्ट में हुई थी गड़बड़ी, रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, मारपीट के दौरान दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पंचायत में एक तरफा फैसले को लेकर विरोध, महिला के साथ हुई जमकर मारपीट, महिला गंभीर रूप से हुई घायल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। खबर नालंदा से है, जहां बेहटा सरमेरा टू लेन पर धर्मपुर के पास बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थोड़ी देर के लिए सड़क जाम कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नगर नौसा से घर आ रहा था, मतलब धर्मपुर पुल पर, चंडी थाना में पड़ता है, धर्मपुर गांव से थोड़ा सा आगे पड़ता है। बस से आई, क्या चीज़ से थे? मोटरसाइकिल से। कौन लगता है? मेरा भतीजा पवन कुमार, तीसरू से पड़ता है। कौन हुए आप? खबर नालंदा से है, जहां ससुराल के रास्ते में खेत के किनारे अचेतावस्था में युवक पड़ा मिला, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। बता दें, युवक के जहर खाने की आशंका जताई जा रही है। उधर खंधवा दने हलखिन गिरल। कहाँ की जगह? लच्छू चक दने खंधवा। कहाँ पड़ता है? सक्सोहरा के बगल में है, बस स्टैंड के बगल में। उन्हें हलखिन खंधा पर गिरल हलखिन। कौन बताया आपको? तो दो तीन गो आदमी हलखिन बतावे लगे कि उन्हें आदमी मतलब हल्ला हो गए कि गिरल है, गिरल है कि है। तो कोई आदमी चिन्ह हलखिन कि फलना के पहनैया है, तो वही हलखिन कहे लगे। तो हम कहे वहाँ मैंने के कहाँ से अथिन आदमी यहाँ। खबर मोतिहारी से है, जहां के राष्ट्रपिता बापू के नाम पर बने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एमएमडब्ल्यू विभाग के सेमेस्टर रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी के विरोध में और रिजल्ट सुधार की मांग को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के तिरहुत प्रमंडल अध्यक्ष आकाश सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के चाणक्य परिसर में अनिश्चितकालीन अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं अनशन में छात्रों का साथ देने पहुंचे आपके प्रदेश महासचिव ने कहा कि सेमेस्टर रिजल्ट में विद्यार्थियों को टारगेट कर फेल करवा दिया गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन समस्या का समाधान करने के बजाय छात्रों को भ्रमित कर रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूं मैं, एमएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूं। आपने अनशन पर क्यों बैठी है? सर, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हम लोगों को मार्क्स ढंग से नहीं मिला है, अनफेयर मार्किंग हुई है और हमें क्लास में धमकी दी जाती है कि हमारा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं वो रेगुलर क्लास में हम लोगों को पढ़ाते नहीं हैं, उसके बाद बहुत सारा चैप्टर्स एक दो दिन में ख़त्म कर देते हैं और उस अकॉर्डिंग हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलता है। हम लोग खुद सेल्फ स्टडी करके सर मार्क्स लाते हैं। ये गौर करने वाली बात है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये केंद्र से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इसकी देखरेख होती है। इसके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं। एडमिशन की जब बात आई तो एससी और एसटी के सीटों में जो है धांधली हुआ, उस समय भी धरने पर बैठा गया तो उसके अंदर सुधार की बात हुई। अभी रिजल्ट की बात हो रही है तो रिजल्टों में भी धांधली की बात हो रही है और फिर उसको कह रहे हैं कि हम सुधारेंगे। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय की मैनेजमेंट और उनके प्रोफेसरों में अगर इतनी गलती करने के गुण होंगे
तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय में फिर क्या अंतर? खबर बांका से है, जहां के अमरपुर थाना क्षेत्र के कौशलपुर गांव के रहने वाले एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना दिल्ली पुलिस के परिजनों को दी तो वहीं युवक की पहली पत्नी रीना देवी ने बताया कि उसके पति ने दिल्ली में जाकर दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी पत्नी ने पति की हत्या कर दी। वहीं हत्या की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। कौन बोल रहा था? वही पूनम। कहाँ की है पूनम? वही देवघर तिल्लोपुर में सब दिन रहता है। अच्छा, वही दिल्ली की है? तिल्लोपुर की। अच्छा, चार नंबर में रहता है। अच्छा, चार नंबर में। तो 6 महीना पहले हत्या हुआ था, उस समय आप लोग को पता? हम लोग को 27 तारीख को 6 महीना जो पहले जो गायब हुआ, खोजबीन सब कुछ किया, थाना में कंप्लेन भी किए, वहाँ जाके कंप्लेन देने के बाद फिर यहाँ आए। यहाँ आने के बाद फिर 27 तारीख को मुझे मालूम वहाँ से फ़ोन आया SP का, क्योंकि बोला ऐसे ऐसे घटना हो गया, देखिए बॉडी पहचान के लिए यहाँ आइए। देखिए हम बोले भैया हम लोग अभी पहुँचा नहीं सकते हैं, देखिए हमको समय दीजिए, समय के अनुसार से वहाँ पहुँचेंगे, या ना कि मेरा आदमी है वहाँ, आदमी को वहाँ पहुँचा रहे हैं। पता है 2 साल के बाद में मेरा पति वहाँ गया और फिर हमारे वहाँ खोजने के लिए उसको गया और 6 महीनों मेरा पति को खोला से हुआ। तो मेरा उसका हमके जानकारी था पूनम के, अभी हमने बोला कि पूनम आपकी का पास में पूनम है मेरा आदमी, तो वो बोला कि मेरा पास में नहीं है। खबर नालंदा से है, जहां आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें मारपीट इतनी बढ़ गई कि मारपीट के दौरान फायरिंग शुरू हो गई और इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए बिहार के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें पुलिस इस मामले को लेकर जाँच में जुटी है। तो गोली मारे वाला तो गांव है ना? हाँ, गांव में बोला। कौन आदमी? चाने का बेटा है, बिकिया। हाँ, तीन चार को मिलकर गोली मारे, अभी मारे हैं गोली। चंदेश्वर राम, चंदेश्वर जादव। क्या चीज का लड़ाई था? ये लड़ाई है ना, हमको भाई परसों शाम में नदी देने से गुस्सा नहीं हो जाए। अनुज महतो के कल है, हमारा घर से आओ थोड़ा दक्षिण, तो वहाँ पर कुल्ली कर रहे थे, तो वो कहार था, वो हमारे स्कूटर ले दिया था, उसको रात में वो स्कूटर चूर दिया, यही गौतम ढाड़ी जाके। क्यों चूर दिया? जी क्यों स्कूटर चूरा है? लड़ाई पटल था, हमको बेटा को मारा। क्यों? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, IAS से लेकर IPS तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां बच्चों के बीच हुई लड़ाई को सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायती में एक तरफा फैसला का विरोध करने पर एक महिला के साथ जमकर मारपीट की गई और इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबको समझा बुझा के पूछ रहा सही किया, सृजन सही किया। उसके बाद हमारा जो विपक्ष पार्टी तो पंचायत पंच को बुलाया, पंचायत करेंगे भाई, हमारा गलती है तो किसका गलती हो, पंचायत पंचायत करेंगे। लालू यादव ने पंच बन के आया और एक तरफा बात कर रहा था, उसको हमारी पत्नी ने सुमा देवी ने बताया कि तरफा बात मत करो, पंच बन के आए हो, प्रिंसिपल हो। उन दोनों ने जो बात है वो गलत सी बोला, तुम्हारा बच्चा गलत नहीं है, गलत कैसे जा रहा है वो। खबर पटना से है, जहां सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष ने सम्राट अशोक के शिलालेख पर अतिक्रमण हटाने के लिए प्रेस वार्ता किया। बता दें सासाराम में 25 साल से सम्राट अशोक के शिलालेख पर अवैध कब्जा किया हुआ था। बता दें जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से अतिक्रमण को खाली कराने के लिए मॉनिटरिंग किया गया, जिसे मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 12 पत्र बिहार सरकार को भेजा गया है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, और क्या दिन आ गया नीतीश कुमार जी, ये हमको पूरी तरह याद आ रहा है कि ये लालू जी का दौर आ गया। लालू जी के दौर में बीपीएससी के चेयरमैन जेल जाते थे, क्यों जाते थे, क्योंकि वो अपने सगा संबंधी अपने लोगों को उसमें भर देते। अब नीतीश कुमार जी के राज में भी क्वेश्चन आउट हो रहे हैं, नौ नौ प्रश्न गलत है। कैसा बीपीएससी बना दिए भाई, आप यदि ऐसा बीपीएससी बना रहे हैं तो आपको इंजीनियर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, घर जाइए कल्याण बीघा में बैठिए, क्या कर रहे हैं आप। बीपीएससी को, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का दायित्व है, 32 साल से लालू नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं, कोई दूसरा दोषी नहीं हो सकता है, सिर्फ लालू और नीतीश दोषी है। खबर नवादा से है, जहां जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने ही चाचा को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं बीच बचाव कराने आई चाची को भी चाकू मार कर घायल कर दिया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसी झगड़ा में मतलब सुबह मैदान आया था तो पहले जरिमानी ऐसे टांटिन हुआ था, 2-3 दिन पहले वही बुरी धर के जान मार दिया। काहे के लिए टंटून हुआ था? ऐसे कुछ घर के बारे में झंझट था, मतलब जमीनी विवाद या कोई विवाद, क्या विवाद था? हाँ जमीने के बारे हला, मतलब उसका ससुर बेच दिया था हिस्सा, हमको हिस्सा मतलब नहीं बिका है तो बच रहा है, उसमें हिस्सा खोजता था कि तुम्हारा इतना हुआ हमारा इतने है, तो जब तुम्हारा बंटवारा वाला बिक गया तब कहाँ से देगा हिस्सा, कोई बेच देंगे तो कोई देगा, मतलब सबके अलग अलग है। खबर मधुबनी से है, जहां राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार शिक्षकों की भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अधिकांश विद्यालयों में आज भी संसाधनों की घोर अभाव देखने को मिल रही है। आज भी ऐसे कई स्कूलों में कमरा और छात्रों की संख्या में कमी होने के बावजूद शिक्षकों की संख्या अधिक देखी जा रही है। बता दें जयनगर शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 स्थित राजकीय मध्य विद्यालय जवाहर विद्यापीठ में भवन के घोर अभाव और जर्जर भवन के सहारे 864 छात्रों की पठन पाठन व्यवस्था संचालित की जा रही है।
काफी अभाव है, तीन ही कमरा है, एक एलपीजी का है, हमारे विद्यालय का दो ही कमरा है, इसमें हम ज्वाइंट क्लास चलाते हैं। अब कुछ बच्चे खुले आसमान में भी पढ़ते हैं। विभाग को पत्राचार किया गया है, हर साल गैस में भरा जाता है, उसमें दिया जाता है सूचना कि भवन का अभाव है। क्या गया? रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल। पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। खबरों में रफ्तार, बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच, साहस और सरोकार के साथ। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर नवादा से है, जहां के कालीपुर नहर के रहने वाले एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। रात को खाना पीना खा के आराम से सोता। अच्छा। उसके बाद हम लोग सारा परिवार अपना अपना रूम में सोने चले गए। सुबह जब अपना मुख्य दरवाजा जो शटर होता खोलने गए तो देखते राहुल कुमार लटका हुआ। क्या कारण था? कारण उसका माइंड डिस्टर्ब था और हमेशा ये सब हरकत करते रहता था। एक दो बार पटना में भी सब इस ढंग का फांसी उसी के बारे में रस्सी उसी खरीद के सब काम किया। सारा परिवार के मोबाइल पर व्हाट्सएप फेसबुक करता रहता था। खबर भागलपुर से है, जहां शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती वरीय पुलिस अधीक्षक और आरक्षी उप महानिरीक्षक के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुकी है। वहीं युवती का कहना है कि गांव का ही रहने वाला एक युवक 3 सालों से उसका यौन शोषण कर रहा था। वहीं महिला के गर्भवती होने पर युवक ने युवती से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने कोर्ट में मामला दर्ज करने के लिए अधिवक्ताओं के पास पहुंचकर कोर्ट से ही न्याय की गुहार लगाने पहुंची। 3 साल से रिलेशन में, आज हम 4 मंथ का गर्भवती हो गए, तो वो कहीं और शादी कर रहा और कहता तुमको हम साइड से रखेंगे और मुझे इस बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम है लड़का का? बिशप सिन्हा। बिशप सिन्हा, हाँ। कहाँ कहाँ गुहार लगा चुकी हो, कहाँ कहाँ गई हो इसको लेकर? वो मतलब कि जाते थे हमको लेके यहाँ वहाँ कहीं भी घूमने के लिए, तो लेके जाते थे कभी कभी। कहाँ कहाँ, किसके किसके अधिकारी किसके किसके पास गई, थाना गई, कहाँ कहाँ गई? थाना अभी एसपी सर के पास गए हैं और महिला थाना भी जा रहे हैं और डीआईजी सर के पास जाएंगे। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां जिला स्तर पर आयोजित युवा उत्सव की चर्चा तो बड़े जोर शोर से की गई थी, पर कार्यक्रम बस खानापूर्ति भर बनकर रह गया और कार्यक्रम की शुरुआत में ही माइक और प्रकाश की व्यवस्था के चलते अफरा तफरी मची रही और साथ ही जनसंख्या ना होने की वजह से कलाकारों में भी मायूसी छाई रही।
बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने